जीवन उबाऊ नहीं है, उबाऊपन मन का स्वभाव है। यानी अगर आपने अपने दिमाग को ढीला छोड़ रखा है, मतलब आप जानते ही नहीं कि इसका क्या करना है, तो अगर आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं आता तो मन आपको इस्तेमाल करेगा और खा जाएगा। तो पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया बस यही है। आपके जीवन के किसी भी पल में अगर आप बस ऊपर देखें तो आप आसमान का एक नया हिस्सा देख रहे हैं, क्योंकि धरती घूम रही है ना। किसी भी पल अगर आप ऊपर देखें तो आप आकाश का एक नया हिस्सा देख रहे हैं। ये बहुत रोमांचक है। पृथ्वी हर समय घूमती रहती है, किसी भी पल कुछ भी वैसा नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। अगर आप जीवन को लेकर जीवित हैं तो आपको जीवन में कभी उबाऊपन नहीं पता चलेगा। अगर आप जीवन के लिए ही जीवित नहीं हैं, बल्कि आप बस अपने मन में ही जीते हैं, तो सब कुछ उबाऊ बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव है दोहराते रहना। जो लोग बिल्कुल ऊब चुके हैं, निराश हैं और जीवन के उबाऊपन को झेल रहे हैं, लोग बस एक सप्ताह के या एक वीकेंड के प्रोग्राम में आते हैं और अचानक उन्हें सब कुछ ताज़ा लगने लगता है, क्योंकि उनकी आंखों का मोतियाबिंद साफ हो गया है। तो मोतियाबिंद से बोझिल दिमाग साफ हो गया है और वो पाते हैं कि अचानक उनके लिए सब कुछ सुंदर हो गया है। खासकर कि वो लोग जो भाव स्पंदन से गुजरते हैं, उनके लिए बाहर जाते ही अचानक वो वही पुरानी चीज़ों को लेकर उत्साहित हो जाते हैं। तो क्या पुराना है, वो असल में आपके मन के कारण आता है, नहीं तो सृष्टि में कुछ भी पुराना नहीं है। आधुनिक विज्ञान आपको बिना किसी संदेह के साबित कर रहा है कि There is no such thing as old anywhere. Everything is reverberating and creating itself all the time. कहीं भी कोई चीज पुरानी नहीं है, हर चीज गूंज रही है और हर समय खुद को बना रही है। एक चट्टान भी हर पल नए जीवन से स्पंदित हो रही है, लेकिन पुरानी चीज सिर्फ दिमाग में होती है, क्योंकि मन अतीत की याद से काम करता है। एक बार आपका मन दोहराने लगता है तो जीवन में आपको न शांति पता होगी, न आनंद और न ही ज्ञान। समय आ गया है कि आप ध्यान करें और इस दोहराते रहने से परे चले जाएं।